सुब्रत बख्शी हमारा जो प्रेसिडेंट है तृणमूल कांग्रेस का बंगाल का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी है, अभिषेक बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, दिनेश त्रिवेदी हमारा राज्यसभा का एमपी है, डेरेक ओब्रायन हमारा राज्यसभा का लीडर है तृणमूल का, शांतनु सेन इज ऑल्सो द एमपी, विवेक गुप्ता हमारा एक्स एमपी, जितेंद्र तिवारी हमारे आसानसोल का मेयर थे, और सारे बहुत सारे आदमी को जान पहचानता है हम दिखता है, जैसे आप लोगों ने इधर में आके बैठे बहुत सारे आदमी के साथ मेरे को पहचान भी है। मैं आप लोगों को इसी के लिए बताने चाहूंगी कि मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने हिंदी भाषा भाषी जो है ये हमारा गौरव है कि हम बंगाल में जब रहते हैं तो हम कभी नहीं देखता है क्या ये हिंदी बात करते है, ना गुरमुखी में बात करते है, ना उर्दू में बात करते है, ना तमिल में बात करते है, हम खाली देखते हैं ये तो एक बड़ा इंसान है, हमारा भाई है, हमारा बहन है। आज देखिए पंजाब में जो फार्मर्स का मूवमेंट चल रहा है, किसी को पसंद नहीं है तो उसको पूरा टेररिस्ट बोल देना ठीक है? ठीक नहीं होता है, कभी ठीक नहीं होता है। परसों जो हुआ है आप देखिए, अगर 20 लाख किसान एक साथ में जुट के गया है दिल्ली तो ये नारा तो पहले दिया, परमिशन भी लिया, और उधर में 20 लाख लोग गया तो थोड़ा छोटा छोटा एक दो इंसिडेंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें एक भी आग लगा, एक भी घर जला, एक भी लोगों का मौत हो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन पार्टी है वो जलाता है देश को, खुद नहीं जलते हैं, सबको जलाता है, हम नहीं चाहते वो खुद जले भी, हम उसको भविष्य अच्छा लॉन्ग लाइफ हो इसमें तो ठीक है। लेकिन आप मेरे को बताइए, अमित शाह जी ने एक दफे कहा था राजस्थान में, हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि हमारा पास 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है, हम अगर चाहते हैं कि हम कोई उल्टा पलटा संवाद, उल्टा पलटा इंफॉर्मेशन पब्लिक को दे के भड़काएगा, वायरल करेगा, तो हम कर सकते हैं। अगर एक कोई देश का होम मिनिस्टर बीजेपी का बड़ा लीडर कहे तो बात यही होता है ना, जो कल सुबह से हम लोग देखा कि किसान बेचारा का कोई गलती नहीं है, लेकिन देखो उसका खिलाफ में वो टेररिज्म किया है, वो ए किया है, वो किया है, पूरा उसको डिस्क्रेडिट करने पर लग गया है। लेकिन ये सब सच बात नहीं है, झूठा बात है। इंतजाम लगाते हैं जो लगाना नहीं चाहिए। एक बात समझिए, आज पंजाब का किसान लोग लड़ते हैं, हम उसका साथ में है, राजस्थान का जाट लोग लड़ते हैं, हम उसका साथ में है, हरियाणा का जाट लोग भी लड़ते हैं, आज पंजाब गया तुम्हारा, राजस्थान गया, उत्तर प्रदेश गया, हरियाणा गया, बंगाल तो पहले ही चला गया, बिहार भी गया, कितना दिन तक रुकोगे? अगर सब ही चला जाए तो किसके लेके करोगे, किसको लेके करोगे? गवर्नमेंट बहुत मैंने देखा, हम राजीव गांधी को गवर्नमेंट देखा, इंदिरा गांधी को नहीं देख पाया, तब हम लोग स्टूडेंट था, हम राजीव गांधी को गवर्नमेंट देखा, हम मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट देखा, हम गुलजार साहब का गवर्नमेंट देखा, हम देवगौड़ा साहब का गवर्नमेंट देखा, नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट देखा, मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट देखा, राजीव गांधी का तो 400 मेजोरिटी था, ये लोगों को तो 300 है, वो भी कैसा करके आपको पता है। इसमें इसका इतना ऑडासिटी कि आप किसान का बिल करने का पहले अदानी का घर बना दिया, किसान को माल किधर में रहेगा मौजूद रहेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अर्थात जितना भी जरूरत हो वो 5 साल 10 साल के लिए रुक देगा, आपको भात चावल नहीं मिलेगा, आपको पोटैटो नहीं मिलेगा, आपको रोटी नहीं मिलेगा, आपको सब्जी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तेल से शुरू करके हमारा 500 एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था वो पूरा छिनके ले लिया, वोट भी नहीं किया, हमारा पार्टी वोट मांगा, वो वोट का जरूरत नहीं है, ऑर्डिनेंस किया और बोलता है वोट, बस हो गया वोट, ऐसा ऑडासिटी किसी को नहीं था पहले। लेकिन ये दोनों हमको पता नहीं है, देश में तो बहुत सारे लीडर है, बिहार से भी प्रधानमंत्री हुआ,
मतलब कोई ना कोई आदमी तो हुआ, न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न कोई मिनिस्टर, हर राज्य से हुआ। लेकिन इतना जबरदस्ती जानबूझ के लोगों को असम्मान करना हम कभी नहीं देखा। पसंद नहीं हुआ तो मर दो, रास्ता में स्लोगन देता है गोली मारो। अगर तुम्हारा पार्टी का ये नारा है रास्ता में स्लोगन दिखे कि गोली मारो, तो हम बोलेगा तुम आगे पहले जाओ, पहले तुमको नहीं चाहिए। इसका पता नहीं है कि हम भी स्ट्रीट फाइटर हूं, हम स्ट्रीट फाइटर हूं, ये हमारा आदत है। पैसा लेके जीप में उठ के सब रैली बना रहा है, और क्या कर रहा है, मीडिया को परचेस किया है। मीडिया देखो आपका बात नहीं कहेगा, हमारा बात नहीं कहेगा, बीजेपी जो बोलेगा वही करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसको इनकम टैक्स रेट करेगा, सीबीआई रेट करेगा, ईडी रेट करेगा। हमारे लिए तो हर दफे करते हैं, हम तो बोला है कि हम सिर देने के लिए तैयार है, लेकिन हम सर देने के लिए तैयार नहीं है। आज पूछिए जितना बिहारी भाई लोग हमारा इधर में है हिंदी भाषी, कभी कोई दिक्कत हुआ, कभी कोई दिक्कत हुआ हम लोग आने के बाद? पहले होता था, जो यूपी से है कभी कोई दिक्कत हुआ? जो पंजाबी भाई बहन है कभी कोई दिक्कत हुआ? आप फ्रीडम लेके सब काम करते हैं। राजस्थानी में जो है, जो बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक कभी कभी हो जाता है, सब नहीं है थोड़ा है, आप बोलिए कभी आपको कोई डिस्टर्ब हुआ? कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। चाहे बिरला हो, चाहे टाटा हो, चाहे गैंग का हो, हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग इंसान का साथ, इंसानियत के लिए हम काम करते हैं। लेकिन ये लोग बर्बादी के लिए काम करते हैं। क्या मेरे को हिंदी सिखाएगा ये? हम तो उसको कान पकड़ के हिंदी सिखा देगा। आपको बिहार में छुट्टी देता है? छठ पूजा में मैं 2 दिन छुट्टी देता है? कौन मेरे को बोला? कौन मेरे को बोला? कोई नहीं बोला, मैंने खुद किया। हम इंडिया, हम यूनिवर्सिटी कर रहे हैं हिंदी भाषी के लिए, क्यों कर रहे हैं? हम हिंदी भाषा को, गुरुमुखी भाषा को, कुर्मी भाषा को सब हम रिकॉग्निशन किया है इसी के लिए। उर्दू भाषा को सब, नेपाली भाषा को रिकॉग्निशन किया इसी के लिए कि हमारा बांग्ला पढ़ने का हक है, तो आपको हिंदी पढ़ने का हक क्यों नहीं है? हमारा बंगाल को पढ़ने, बांग्ला भाषा जानने का हक है, तो हमारा हिंदी भाषा जानने का भी हक है। वो हमको हिंदी सिखाता है, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलता है गुजराती भाषा में लिख के। अरे देखो आप मेरे को बोलो हम हिंदी पूरा पढ़ देगा। हम लोग भी पांच बरस तक हिंदी पढ़ा ना, हम तो हिंदी अच्छा से पढ़ देता है। देखो इधर में लिखा इंग्लिश हिंदी, तो हिंदी देखो क्या पढ़ते हैं, दूध दही सब सही बंगाल में, एआईटीसी का सरकार अभियान भर रहा है, जान जान के दीदी ममता दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद, दीदी वी आर विथ यू, जितना भी हिंदी बोलोगे मैं सब पढ़ लेता है। हाँ मैं हिंदी अच्छा से पढ़ लेता है, वो लोग नहीं पढ़ सकता है, वो टेलीप्रॉम्प्टर में देख के पढ़ता है। जो भाषा देखते हैं टेलीप्रॉम्प्टर में गुजराती में लिखा देता है और वो भी पढ़ता है। हम तो गुजराती का भी हमारा याद है, केम छो भाल छो हमको भी पता है। जैसे पंजाबी लैंग्वेज हम तो अच्छा जानते हैं, पंजाबी लोग कोई बात कहे हमारे साथ पंजाबी में बात करो, हम बात करते हैं। हम पंजाब में हर गुरुद्वारा घूम के आया, अभी नहीं, वो टाइम पे जब गड़बड़ हुआ था तब कोई जाने के लिए डरते थे, तो मैंने बोला मेरे को भेज दो। हम गुरुद्वारा में जाते थे और तब मेरे को पता नहीं चलता कौन 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 है पंजाबी, सबको एक ही रकम देखने लगता था। लेकिन बाद में जब ज्यादा मिला तो अभी आई कैन आइडेंटिफाई एवरीबॉडी। लेकिन हम किसके लिए गया, मैं गया गांव गांव में गुरुद्वारा में, खाली 2 बात कहा, एक कहा बॉय गुरु जी का खालसा, वो बोला बॉय गुरु जी का फतेह, और हमने कहा सत श्री अकाल, वो बोला है
सत्सी हम बोला है बोले सोनीहाल ओ बोला है सत्सीकाल। और मैं गुरुद्वार में हलवा मांग के खाते आए, उसको हलवा बहुत बढ़िया होता है। गुरु नानक का जन्मदिन में मेरे को घर में भेजता है, जैसे बिहारी का पास हम लिट्टी मांग के खाता है और चापाटी मांग के खाता है। सुमन मेरे को भेजा, कृष्ण मेरे को भेजा, मेरे को बड़ा बाजार से आता है। और हमारा जो साथी है जो हमको लेके चलता है, उसका घर से हमारा लिए पूरी आता है, ठेकुआ भी खाता है, ठेकुआ हम ज्यादा खाता है, लेकिन सबसे अच्छा ठेकुआ बनाता है द्विवेदी हमारा सिक्योरिटी। और हमारा जो हमारा साथ रहता है और हमारा जो ड्राइवर जो हमको गाड़ी चलाता है वीरेंद्र जी, सबसे अच्छा बनाता है। तो हमारा जिंदगी का स्टीयरिंग जिसका हाथ में है, वो लोग क्या सोचे कि मेरा जिंदगी का कहानी क्या है? कभी हम सोचा कि हमारा जो गाड़ी का स्टीयरिंग चलाता है वो कौन है? जो हमको सिक्योरिटी देता है कौन है? कभी नहीं पूछा, हम कभी नहीं पूछा। तो इसी के लिए मैं आपको बताने चाहूंगी कि अभी तो आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। बीजेपी बंगाली नॉन बंगाली कर रहा है, इसको हिंदू मुस्लिम करना भी गया, अभी फिर बंगाली नॉन बंगाली करते हैं। उसको एक काम करो, एक एक समोसा दे दो और बोलो जाओ इसको खाओ, खा के घर में सो जाओ। आज आप लोगों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम चाहते हैं कि बंगाल से भी ज्यादा वोट बंगाली से आप लोग दे। जैसे आने वाला दिन हम भी दिखा देंगे कि हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। आज देखिए हम ट्रीटमेंट फ्री कर दिया, हम ट्रीटमेंट फ्री कर दिया सबको लिए, खाना फ्री कर दिया, बच्चे लोग स्कूल में कॉलेज में जाते हैं। कितना हम टी गार्डन में भी हिंदी यूनिवर्सिटी हिंदी स्कूल बनाया, हिंदी कॉलेज बनाया, हम और भी आने वाला दिन बहुत बनाएंगे, ये हमारे ऊपर भरोसा रखो। ये पंजाबी वाला भी करेगा उसको भी हम पूरा मदद करेगा, ये मारवाड़ी भी करेगा हमारा मदद करेगा, हम पूरा आपको मदद करेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा बिहारी भाई लोग जो है, किसी को बात मत सुनो। आज मेरे को दुख लगा, मैंने देखा हेमंत सोरेन झारखंड का चीफ मिनिस्टर आके झारग्राम में हमारा राज्य में पॉलिटिक्स करने आया, उसका ओथ में हमने किया था, कितना सपोर्ट दिया था। तुम लोग खाना नहीं देगा, पढ़ने नहीं देगा, 365 दिन क्या हुआ वो नहीं देखेगा, झड़ में लोग मर जाएगा वो भी देखेगा नहीं, एक्सीडेंट में मर जाएगा कुछ नहीं देखेगा, और चुनाव का टाइम खाली वोट दो वोट दो, तो हम क्यों, हम कहां आ जाएगा? अगर तुम हेमंत सोरेन झारखंड का वोट मांगोगे तो हमारा बंगाली भी झारखंड में बहुत होता है, तो हम भी जाके हमारा वोट मांगेंगे? यह क्या तरीका है? यह कोई तरीका हुआ है? हम राजस्थान में थोड़ा ही जाता है हमारा वोट मांगने के लिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम भी जरूर करेंगे, हम भी कर सकते हैं। पॉपुलेशन हमारा कम नहीं है, हेमंत सोरेन चलाया उसको पार्टी का उम्मीदवार चाहिए, नहीं होगा, कैसे होगा? खाना देगा हम, पढ़ना देगा हम, सब कुछ हम देगा, धमसा हम देगा, मादल हम देगा, ढोल हम देगा, सब हम देगा, और वो आके बोली बोली मंगाएगा? जाओ ना पहले झारखंड को संभालो। मैं तो ये बात नहीं कहती थी, लेकिन मेरे को दुख दुख लगा जब कोई नहीं आने का बात था, मैंने पहले पहले चला गया, पूरा सपोर्ट दिया। आज ये क्या बात होता है, ये क्या हक होता है? आज देखो किसान का बारे में, जब किसान को बेइज्जत किया, हमने 3-4 दफे हम मोबाइल फोन से भाषण दिया वो लोगों को, सिंधु में इसमें इसमें जो करते हैं, हम डेलीगेशन टीम भेजा, डेरेक ओब्रायन एंड अदर्स, हमारा एमपी टीम भी गया, मैंने 3-4 दफे भाषण दिया। और कल जब मैंने देखा कि परसों दिन से उसको बेइज्जत कर रहा है, और कोई आदमी नहीं है कि खड़ा होकर कहे कि किसान का गलती नहीं है, एक गलती भारत सरकार का है। जब सब डर गया, सब मर गया, तब मैंने कल बोला कि देखो एक किसान का गलती नहीं है, तुम्हारा इंटेलिजेंस फेलियर है, तुम परमिशन दिया, तुम बेइज्जत किया है। और जो लड़का वो ऊपर में लगाया वो तो एक हमने सुना है पंजाबी धर्म का कुछ है जो है, हाँ वो है, और वो भी आपको पता होना चाहिए, बीजेपी का चमचा मीन्स अमित शाह का साथ फोटो निकाला, नरेंद्र मोदी के साथ फोटो निकाला,
और बेइज्जत करने के लिए बीजेपी ऐसा प्लान तैयार करता है, वो ऐसा प्लान तैयार करते हैं। हम आज बोल दिया प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन करना चाहिए, होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन करना चाहिए, किसान का जो बात है उसको मान लेना चाहिए। हम बोला इधर किसान का बात मानो नहीं तो गोदी छोड़ो, हमको नहीं चाहिए, तुमको नहीं चाहिए। आज हमारे असेंबली में हम रेजोल्यूशन पास किया, और बीजेपी का तीन चार लोग आया, तीन चार एमएलए आके बहुत चिल्लाते थे, चिल्ला रहा है नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, किसान भी लाचा है। तो स्पीकर ने एक जन को बोलने दिया कांग्रेस का। हम बोला ठीक है, वो दो लोग बोले, उसके बाद हम बोलेंगे। रेजोल्यूशन तो हमारे गवर्नमेंट के है किसान का फेवर में। तो विमान दा उसको नाम बोला तो खड़ा ही है, बोलता नहीं है, बोलने नहीं सकता है। तो मैं देखा खाली वो अकेला बोल जा रहे किसान का खिलाफ में। तब मैं बोला मेरे को बोलने दो, हम इतना चिल्लाया सब भाग गया। उसमें क्या है, हमारे ऊपर बहुत सारे जुलूम कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर जुलूम करेगा तो आप लोग नहीं है, तो हम आप लोगों के लिए लड़ रहा है। इसके लिए अगर हमको जुलूम करे, हमको बेइज्जत करे, तो आप लोग हैं, आप लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको देखने के लिए। तो इसी के लिए सार पड़ोसी को तमन्ना, सार पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। आप याद रखना, विवेक गुप्ता हमारा हिंदी भाषी कमेटी का चेयरमैन है, हम बना दिया हिंदी भाषी एकेडमी भी बना दिया, यूनिवर्सिटी भी हो रहा है, कॉलेज भी हो रहा है, छात्र छात्र भी पढ़ रहा है, हम स्कॉलरशिप भी दे रहा है, हम उसको इंसान बना रहा है, कोई डॉक्टर हो रहा है, कोई मेडिकल में जा रहा है, कोई WBCS हो रहा है, कोई IPS हो रहा है, कोई ICS हो रहा है। आप देखो, हम बिहारी राजीव सिन्हा को चीफ सेक्रेटरी बना दिया था, नहीं देखा? अभी हमारा डीजी पुलिस कौन है, बीरेंद्र हरियाणा में घर। हमारा दो चीमा ऑफिसर है, चीमा है और रविंदर है, पंजाबी भी है। हमारा बिहार का कितना लोग है, भर्ती भर्ती है, कितना भर्ती भर्ती ऑफिसर है। हमारा साथ सबसे बड़ा रिश्ता है। हमारा गोपालिका भी बिहार का है, हमारा राजीव कुमार भी बिहार का यूपी का है, ज्ञानमोहन सिंह से लेके सब है, ADG लॉ एंड ऑर्डर सब है। तो ये लोग हमारे साथ एक साथ में अच्छा काम करते हैं, इसी के लिए कि ये हमारा एक परिवार होता है। आप लोग जैसा आज हिंदुस्तान का एक परिवार बना दिया सबको लेकर, तो हम अगर आप लोगों को लेकर चलते हैं तो वोट का टाइम में क्यों बंटवारा होना चाहिए? आप लोगों को थोड़ा मोहल्ला में जाना चाहिए। आप चाय दुकान में, मोहल्ला में, हाट बाजार में, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे कुबेर का ड्राइवर हो, चाहे रास्ता का होकर हो, सबका साथ बात कर लीजिए। आप लोग ग्रुप ग्रुप बना के, आप एक टीम बना के कहे कि हमारा तो भाई बीजेपी का माफिक फोर्स नहीं है जो बाहर का गद्दा लाके करते हैं, हमारा नहीं है, लेकिन हमारा अंदर में हमारा भाई बहन है जो आप लोगों ने करते हैं। इसको आप थोड़ा देख लीजिए। हमको बोलिए दीदी आप जिला जिला में घूमो, आपका एक काम हम संभालते हैं। और चुनाव का बाद 365 दिन आपका काम हम संभालेंगे। आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, चाहे जूट इंडस्ट्री हो, चाहे टी इंडस्ट्री हो, चाहे आउटसोर इंडस्ट्री हो, चाहे जो भी हो, सब कुछ देने के लिए हम तैयार है, लेकिन बीजेपी को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एक ही वादा मैं आप लोगों से मांगती हूं, और ये वादा अगर हो जाएगा तो आपको देखना है। वो तो प्रेस को बोलता है, एक सर्वे हुआ, सर्वे में पहले सर्वे हुआ, रिपोर्ट आया कि 294 में तृणमूल कांग्रेस को 211 मिलेगा, बीजेपी को 91 मिलेगा, बाद बाकी इधर उधर जाएगा। वो पुलिस को, वो प्रेस को डाटा, डाट के बोला सुनो ये चेंज करो, चेंज करके बोलो तृणमूल को 175 मिलेगा। अरे तब भी तो मिला ना, तुम्हारा तो नहीं मिला भाई, तुम्हारा तो नहीं मिला। तो इसी के लिए वो जो भी बोले कि तृणमूल कांग्रेस हार रहा है, बीजेपी आ रहा है, आप सोचो सोचो, एक कौवा है ना, कौवा बोले क्या एक गाना था, झूठ बोले कौवा काटे, अरे छुपो रुस्तम है, ऐसा ऐसा बात करते, उसको बात
विश्वास कीजिए, अपना ऊपर भरोसा रखिए और दीदी का ऊपर भरोसा है तो एक बात हम कहेंगे, अभी आउट ज्यादा वोट से हम लोग जीतेंगे, ज्यादा वोट से जीतेंगे। और किसान को जो बेइज्जत किया है इसको हम एक एक वोट में इसको जवाब देंगे, एक एक वोट में जवाब देंगे। कोई बिहार का रहने वाला है, कोई यूपी का रहने वाला है, कोई हरियाणा का रहने वाला है, कोई पंजाब के रहने वाला है, कोई बंगाल को रहने वाला है, और क्या कहते हैं, वो बंगाल में इसको इम्पैक्ट नहीं है, उत्तर प्रदेश में इसको इम्पैक्ट नहीं है। हम बोले इम्पैक्ट क्या, तुम सोचोगे कैसे किसान का इम्पैक्ट हर देश में होता है, कि तुमको रोटी चाहिए ना, चावल चाहिए ना, छातू चाहिए ना, लिट्टी चाहिए ना, डाउल चाहिए ना, चोखा चाहिए ना, कहां से मिलेगा? किसान नहीं रहेगा तो क्या गोल्ड खाएगा, ना मिनरल, ना प्लैटिनम खाएगा, क्या खाएगा, ना डायमंड खाएगा। वो गोबरधन है, वो आपको जितना बैंक में लॉकर है गोबरधन रख दिया, क्या गोबरधन, गोबर लेके रख दिया, पता नहीं है, ऐसा ही है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को एक कहने चाहूंगी कि मेरे को हिंदी थोड़ा टूटा फाटा हो सकता है, हम तो हिंदी सीखा नहीं है, मैं तो क्लास पांच तक पढ़ा है हिंदी, लेकिन बोलते बोलते हो गया है, तो इसीलिए बोलते बोलते हो जाएंगे, और ठीक है, अगर ठीक है तो ठीक है। तो इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कहेंगे कि रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत दीदी से होता है और किसी से नहीं। आपका प्यार, आपका रोस्ता, आपका मोहब्बत हमारा साथ रहे, आपको आशीर्वाद रहे, आपको सत्सिकल रहे, आपको दुआ रहे, आपका अभिनंदन रहे, आपको विश्वास रहे, आपका प्यार रहे, आपका रिश्ता रहे, आपको मोहब्बत रहे। और दीदी आप लोगों को पास आपका घर का बेटी होके रहना चाहिए चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कह के, आप लोग मेरे तृणमूल भवन में आया, मेरे को दिल भर गया। मैं तो आपको खाना वाना देने नहीं सका, थोड़ा सा पैकेट देगा, लेकिन हमको दिल भर गया कि आपको हमारा भवन में आना, ये हमारा हिंदुस्तान को एक चेहरा दिखाता है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को फिर भी बुलाएंगे, हम बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम हिंदी भाषी जो है सबको लेके सारा वर्ल्ड से हम ले आएंगे हमारा चुनाव का बाद, अभी तो मौका नहीं मिलेगा। ये विश्वास आप रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज दीदी को विश्वास कीजिए, दीदी मर जाएगा लेकिन कभी वादा को टूटेगा नहीं दीदी का, ये आपको पता होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को फिर कहेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला, जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय बांग्ला। अगर हमारा बिहार में हम जाएगा तो जय बिहार कहेगा, पंजाब में जाएगा तो जय पंजाब कहेगा, उत्तर प्रदेश में जाएगा तो जय यूपी कहेगा। हम फिर आपको कहते हैं जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। हिंदी भाषी लोग अच्छा रहे, सुस्त रहे, आपका परिवार सुस्त रहे, आपको बहुत बहुत शुभकामना रहे, आपको बहुत बहुत अभिनंदन हमारा इधर में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।